हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था मीन। आज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इज 12। देखिए यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है 8, 12, एक्स, 15 और 20, और हमें ये गिवन है कि इन सभी मार्क्स का जो मीन है वो है 12। तो अगर मीन मार्क्स 12 हैं तो ये जो मिसिंग वैल्यू है x, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन रिलेटेड है इंडिविजुअल सीरीज से, और हमने आपको ये बताया है कि जब भी हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है ताकि वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए, मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड होता है समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स होता है इन सभी नंबर्स का सम। तो अगर मैं इन सभी का सम कर लूंगा तो वो हो जाएगा समीशन एक्स। एन है नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स है 5, और ये है मीन। मीन हमें गिवन है 12। तो चलिए इन सभी नंबर्स का सम कर लेते हैं। तो इन सभी नंबर्स का सम होगा 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 15 ये हो गया 55, प्लस एक्स। ये एक्स जो है इनमें ऐड नहीं होगा तो ये अलग से हम लिख देंगे। तो ये आ गई वैल्यू समीशन एक्स की। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो मीन हो गया 12 इक्वल्स टू समीशन एक्स, यानी कि 55 प्लस एक्स अपॉन एन। एन कितना है? 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 55 प्लस एक्स। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हो जाएगा 55 माइनस 60 यानी के 5। तो देखिए x की वैल्यू हो गई 5। तो आज हमने देखा कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है मिसिंग वैल्यूज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।